गाइस दिस इज शशांक अग्रवाल, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज पंचतंत्र की कहानियां। ठीक, देखिए अब तक हमने बेसिकली वेद के 10 अध्याय पूरे कर लिए हैं, अब बारी है पंचतंत्र की कहानियां की। देखिए ये कुछ टॉपिक हैं, छोटे मोटे हैं, समझने में आसान है, याद करने के टॉपिक है। कहानियां हुई, वेद किया हुआ, आप इनको एक एक दो दो बार पढ़ लेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, कहानी की तरह बातें हैं, लेकिन नंबर आपको अच्छी खासी दे देती हैं। 50 नंबर की वेटेज इन सबकी रहती है, 50 नंबर की वेटेज व्याकरण की रहती है। ठीक, तो यानी जो ये वाला जो सेशन रहता है, ये मार्क्स गेनिंग सेशन है। अगर आप इस सेशन को ढंग से अटेंड करेंगे तो आप 50 से 40 नंबर कहीं नहीं गए, यानी इस सेशन में आप इजीली 35-40 नंबर गेन कर सकती हैं, पर बचे हुए 30 नंबर 25 नंबर आप आराम से व्याकरण सेक्शन में से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम पहली कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज छपड़क कथा। देखिए छपड़क में क्या होता है, देखिए इसमें याद करने क्या चीज़ है, कोई शहर का नाम बताया गया है, कोई व्यक्ति का नाम बताया गया है, कोई करेक्टर का नाम बताया है, कोई जगह का नाम बताया गया है, तो आपको ये नाम याद करने हैं। लाइक इस कहानी में बात करेंगे एक सेठ की, ठीक, एक सेठ की बात करेंगे, तो वो सेठ का नाम का किधर का रहने वाला था, ये सब बात आपको याद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल कहानी सी है। तो एक सेठ था, कहाँ का रहने वाला था, पाटलिपुत्र का था। कहानी है तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा बुक से रीड ना कर करके मैं आपको कंसाइज बता दूं, जिससे आप इसी फॉर्म में याद कर लीजिएगा। देखिए एक सेठ था पाटलिपुत्र का, ठीक, पाटलिपुत्र का था, काफ़ी पैसा था, धनवान था, लेकिन क्या होता है, पैसा किसी का सगा नहीं होता, पैसा उसका साथ छोड़ देता, यानी उसका धन नष्ट हो जाता है। जब धन नष्ट हो जाता है तो गरीबी आ जाती है, गरीबी इतनी आ जाती है कि वो चैन से जी भी नहीं पाता, चैन से खा भी नहीं पाता। तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, शुरू से उसने पैसा देखा था, पैसा नहीं होता, जिस कारण वो परेशान हो जाता है। तो सेठ सोचता है कि इस जिंदगी का क्या फायदा, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं, क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। तो वो अनशन कर लेता है, अनशन मतलब खाना पीना कुछ नहीं चाहता, सब त्याग देता है और मृत्यु के समय भर जाता है, यानी सोच लेता है कि मर जाऊंगा। फिर क्या होता है, एक रात को उसको सपना आता है, सपने में उसको दिखता है कोई साधु, वो साधु उससे कहता है कि क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने एक धन दिया था, वही मैं धन हूं, कल मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुम्हें एक लाठी से मेरे सर पर मारना है और मैं सोने का होकर वहां पर गिर जाऊंगा और तुम्हें उस सोने को कलेक्ट कर लेना है, वो सोना कभी खत्म नहीं होगा। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, सब मन करता है, लेकिन अगले दिन वाकई में सुबह क्या करता है, वो सुबह उठता है तो सुबह अपनी हेयर कटिंग के लिए नाई को बुलाता है, शेव जो कटिंग वगैरह करते हैं उनको बुलाता है। जब बुलाता है वो नाई आ जाता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, जब वो नाई बाल कट रहा होता है, उसके गेट पर एक साधु आता है, ठीक, एक साधु, एक महंत आता है, एक भिक्षु आता है, जैन भिक्षु। जब वो आता है तो क्या करता है, वो बिल्कुल सपने की तरह, तो वो क्या करता है, एक खैर की डंडी तैयार करता है, फिर उस डंडी से क्या करता है, उसके सिर पर मारता है, ठीक, उसके सिर पर मारता है, तो वो क्या कहते हैं, वो सोने परिवर्तित होकर वहीं पर गिर जाता है और उसको वो कलेक्ट कर लेता है धन को। लेकिन क्या होता है, नाई वहीं पर होता है, नाई देख लेता है ये सब, तो फिर नाई को वो थोड़े से पैसे देता है, कपड़े देता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, ये लो पैसा लो, कपड़ा लो, इसको लेकर जाओ, अपना मुंह बंद रखना, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। लेकिन नाई सोचता है कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, क्यों ना मैं भी इतना सारा धन कमाऊं, क्यों ना मैं भी जैन भिक्षु को बुला कर उनके सिर पर डंडा मारूं। तो वो भी क्या करता है, उनके आश्रम जाता है, आश्रम जाके जो उनके प्रधान साधु होता है उनसे बात करता है और बोलता है कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको भिक्षा दूंगा। तो जैन साधु बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि हम भी किसी से भिक्षा लेने नहीं जाते, जो हमारे क्या कहते हैं रेगुलर लोग होते हैं या जो भी हमारे चाहने वाले होते हैं, जो भी हमको मानते हैं, सिर्फ हम उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे जो भी पैसा या रुपया लेते हैं वो भी सिर्फ अपने जीवन व्यतीत करने के लिए, हमको धन का कोई लालच नहीं है। फिर बोलता है, नहीं मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, आपके नियमों को जानता हूँ, मैं सिर्फ आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ और आपकी पुस्तकों के लिए, आपके उनको ढकने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तो मैं सिर्फ आपको वो भेंट करना चाहता हूँ। तो क्या होता है, फिर बताया गया कि कभी कभी नग्न मतलब नंगा रहने वाला जो क्या कहते हैं त्यागी होता है, वो भी लुम में पड़ जाता है, ठीक, क्यों, क्योंकि वृद्धावस्था में भी आपकी जो इंद्रियाँ हैं उनकी तृष्णा प्यास कम नहीं होती, दिल मांगे मोर, यानी आदमी को थोड़ा पैसा मिल जाता है तो उसकी भूख बढ़ती जाती है। तो वही यहाँ पर है, क्या कहते हैं कि जो साधु था, यानी उसने अपने कपड़े तक त्याग दिए थे, लेकिन फिर भी वो लोम में आ जाता है और चला जाता है। जब वो चला जाता है तो क्या कहते हैं, वो ठीक उस सेठ की तरह, ठीक सेठ मणिभद्र की तरह डंडा लेता है और उन सबके सर पर मारना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता जिस तरीके से सेठ ने मारा था, वो सोने परिवर्तित हो गए थे, ये भी सोने परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही उस सर पर डंडा मारता है तो दो चार तो वहीं पर गिर जाते हैं, उनका सर फट जाता है, वो मर जाते हैं और दो चार चल जाते हैं। तो पास में पुलिस वाला इंस्पेक्टर या कोतवाल जा रहा होता है, उसको पकड़ लेता है, जब पकड़ लेता है तो जेल में डाल देता है। और अगले दिन जब उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने उनके सर पर डंडा क्यों मारा, तो बोलता है कि क्योंकि सेठ जी ने मारा था तो मैंने ही मार दिया। फिर सेठ को बुलाया जाता है, सेठ पूरी कहानी बताता है, तो जो न्यायाधीश होता है, जज होता है, वो फैसला सुनाता है कि तुमने बिना किसी चीज़ की परीक्षा करे गए इतना बड़ा कदम उठा लिया, तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, यानी इसको फांसी लग जाती है। यानी इससे रिजल्ट क्या निकला कि आपको बिना कोई बात की पूरी तरीके से परीक्षा किए गए, आपको कोई भी कदम नहीं उठाना। अब देखिए यहाँ पर दो श्लोक दिए गए, ये श्लोक कभी कभी आ जाते, लिख रहा है, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिषितम तन निरेड़ना कर्तव्य ना पितेना अत्र यकृत्रम
यानी इसका मतलब क्या है, न्याय को शूली पर चढ़ाने के बाद जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या कहा, रिजल्ट बताया गया है कि आपको बिना अच्छी तरीके से जाने पहचाने, बिना पूर्ण रूप से परीक्षा किए गए कोई भी काम नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ही वो होगा जैसा मूर्ख नाई के साथ हुआ था। फिर लिख रहा है, अपरीक्षेण कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम पश्चात भवती संतापो ब्राह्मण नकुल यथा। अगली कहानी हमारी एक नकुल ब्राह्मण की होने वाली है, तो उसकी तरह इसमें उपमा की गई है, कंपेरिजन किया गया है कि जब तक आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते, उसका परीक्षा नहीं कर लेते, ठीक, तब तक आपको कोई कार्य पूरी तरीके से उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको पश्चाताप होगा बाद में कि मैंने ऐसे गलत कदम क्यों उठा लिया, जिस तरीके से नेवले की मृत्यु का ब्राह्मणी का हुआ था। वो कहानी आगे की पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये दो श्लोक याद कर रहे हैं, दो श्लोक से क्या मीनिंग निकला, कभी कभी स्टोरी का सारांश पूछ लेते हैं, कभी कभी पाँच नंबर में पूरी स्टोरी लिखने को आ जाती है, यकीन मानिए बहुत ईजी है, एक एक बार आप इस स्टोरी को वीडियो से सुन लीजिएगा, फिर किताब से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। नोट चाहिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, सब मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें बिंग डॉग।